EMFI के नाम पर 10 लाख रंगदारी मांगने वाले चार उग्रवादी हुए गिरफ्तार। SSP रांची ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से PLFI के नाम पर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP के निर्देश पर बेड़ो DSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए योजना बनाकर 1 लाख रुपया लेकर खूंटी जिला के कर्रा थाना क्षेत्र उरीकेल मोड़ में भेजा गया। वहां पर PLFI द्वारा एक व्यक्ति को पैसा देने को कहा गया। योजना अनुसार उसको पैसा देकर वे वहां से निकल गए। कुछ समय बाद एक पल्सर गाड़ी से एक व्यक्ति आया और उसे अपने साथ बिठाकर ले जाने लगा। तभी झाड़ी में बैठे पुलिस बल द्वारा इन्हें खदेड़ कर पकड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद बाइक सवार भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर उग्रवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें PLFI के एरिया कमांडर प्रेम प्रकाश बारला, करमदेव तिर्की शामिल थे। गिरफ्तार हुए उग्रवादियों के निशानदेही पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विजय गोप और संजय कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए उग्रवादियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, लेवी के 1 लाख रुपए समेत अन्य सामान बरामद किया है। प्रेम प्रकाश बारला के ऊपर रांची और खूंटी जिले के अलग अलग थाना में कुल 25 मामले दर्ज हैं। छापेमारी दल में पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो रजत मानिक वाखला, पुलिस निरीक्षक बेड़ो अंचल अरुण कुमार, थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता बेड़ो, पुलिस अवर निरीक्षक आशीष कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शिवनाथ रंजन, पुलिस अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव, पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव, संतोष कुमार यादव, भानु प्रसाद रजक, छोटेलाल उराव, संतोष लकड़ा, प्रमोद टोपो सहित दल बल मौजूद थे। सोना न्यूज एक रिपोर्ट। 12/2022 यानी दिसंबर की 19वीं तारीख को एक मामला दर्ज कराया गया वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा कि उन्हें PLFI के नाम पर एक पर्चा दिया गया है और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है 10 लाख रुपए में। उसके बाद उन्हें एक नंबर से लगातार फ़ोन भी आते रहे जिससे पैसे की मांग की जाती रही। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक बेड़ो टीम को लीड कर रहे थे, जिसमें कि बेड़ो थाना प्रभारी भी शामिल थे। उस टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, उसको फॉलो किया गया, ह्यूमन एंड और टेक्निकल एंड का यूज़ किया गया, जिसके माध्यम से अंततः हम लोगों ने 4 अपराधियों की इस मामले में गिरफ्तारी की है, जिसमें 3 अपराधी स्पष्ट तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में इस रूप में शामिल रहे हैं। इनके ही द्वारा मांग की जा रही थी फ़ोन के द्वारा, इन्हीं के द्वारा पर्चा थमाया गया था और इनके द्वारा ही रकम लेने का प्रयास किया गया। 4था व्यक्ति जो है उसी के प्रिंटिंग प्रेस में, जो उसके पास प्रिंटिंग मशीन है, वहाँ पर से ये पर्चे, हमें कुछ एक्स्ट्रा पर्चे भी मिले हैं और उसके पास से एक लैपटॉप भी सीज हुआ है और उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जो मुख्य इसमें अगर हम बात करें आरोपी की, तो वो प्रेम प्रकाश बारला है, जिसके ऊपर पहले भी, अगर उसके आपराधिक इतिहास की बात करें तो 25 मामले उसके विरुद्ध पहले से भी दर्ज हैं और काफ़ी लंबा समय जेल में ये व्यतीत कर चुका है और पिछले वर्ष ही यह जेल से छूट कर आया है। दूसरे अगर हम बात करें एक व्यक्ति की, तो विजय गोप उसका नाम है, उसके ऊपर भी पूर्व से 3 मामले उसके विरुद्ध लंबित हैं, 2 खूंटी में और 1 नगड़ी थाना में, और तीसरे व्यक्ति के आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अभी खोजबीन की जा रही है। चौथे व्यक्ति के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि ये प्रिंटिंग इसके यहाँ जो है वो पर्चा होता था, जिसके माध्यम से ये लोग उगाही का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि एक रंगदारी मांगने का जो प्रयास किया जा रहा था इस आपराधिक गिरोह के द्वारा, उसको पुलिस ने पर्दाफाश किया है और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की।